गिनती की पुस्तक अध्याय 12। गिनती की पुस्तक अध्याय 12। मूसा की श्रेष्ठता का प्रमाण। मूसा ने तो एक कुशी स्त्री के साथ ब्याह कर लिया था, सो मरियम और हारून उसकी उस ब्याहिता कुशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की है? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? उनकी यह बात यहोवा ने सुनी। मूसा तो पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था, सो यहोवा ने एकाएक मूसा और हारून और मरियम से कहा, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। तब वे तीनों निकल आए। तब यहोवा ने बादल के खंभे में उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा होकर हारून और मरियम को बुलाया, सो वे दोनों उसके पास निकल आए। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो, यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा वा स्वप्न में उससे बातें करूंगा, परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं, वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं, परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूं, और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। सो तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? तब यहोवा का कोप उन पर भड़का और वह चला गया। तब वह बादल तंबू के ऊपर से उठ गया और मरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई, और हारून ने मरियम की ओर दृष्टि की और देखा कि वह कोढ़ीन हो गई है। तब हारून मूसा से कहने लगा, हे मेरे प्रभु, हम दोनों ने जो मूर्खता की वरन पाप भी किया, यह पाप हम पर न लगने दे, और मरियम को उस मरे हुए के समान न रहने दे जिसकी देह अपनी मां के पेट से निकलते ही अधगली होती हो। सो मूसा ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी कि हे परमेश्वर, कृपा कर और उसको चंगा कर। यहोवा ने मूसा से कहा, यदि उसका पिता उसके मुंह पर थूका ही होता तो क्या 7 दिन तक वह लज्जित न रहती? सो वह 7 दिन तक छावनी से बाहर बंद रहे, उसके बाद वह फिर भीतर आने पाए। सो मरियम 7 दिन तक छावनी से बाहर बंद रही, और जब तक मरियम फिर आने न पाई तब तक लोगों ने प्रस्थान न किया। उसके बाद उन्होंने हसेरोत से प्रस्थान करके पारान नाम जंगल में अपने डेरे खड़े किए।